This is a press briefing is regarding Chimpu Police Station FIR number 18/22, which was registered on 1st of April 2022 under section 302 and 201. क्योंकि ये मर्डर का केस था तो काफ़ी सीरियस है एंड जैसे कि आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं और आपको मालूम है इसमें वी हैव लॉस्ट श्री शिबू जॉर्ज हु वॉज ए सब इंस्पेक्टर इन आवर एस्टेब्लिशमेंट इटसेल्फ. The case details are such. On 1st of April 2022, around 6:30 a.m. in the morning, we got the information that the said Sri Shivu George was found lying dead in his quarter in SRPL colony with blood all over the room. Accordingly, our team reached there and finally a case was registered under murder sections. इसी के साथ क्योंकि काफ़ी सीरियस मैटर था हमने स्पेशल टीम फॉर्मेशन किया PHQ SIT की तरफ से जो यहाँ हमारे साथ SP SIT रोहित राजवीर सिंह हैं एंड हिज टीम पृथ्वी विजय इज हियर एंड अलोंग विद दैट टीम फ्रॉम ईटानगर कैपिटल पुलिस अनुराग द्विवेदी इज हियर DYSP कमदम सिकॉम अरुण कुमार पांडे इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर सुशांत. इसके बाद इसके साथ बाकी जो भी हमारा पैराफेर्नेलिया है पूरा एक टीम फॉर्मेशन हुआ और एज ए टीम हमने इसको काम शुरू किया. इसमें सबसे पहले हमने अपने फॉरेंसिक टीम को बुलाया एंड डिटेल्ड इंक्वायरी के बाद फर्दर हमने अपना कोशिश किया कि इन्वेस्टिगेशन में शुरुआती तौर से प्रॉपरली किया जाए. तो जो भी डिटेल्स हमने कलेक्ट किया उससे हमें पता चला कि एक सद्दाम हुसैन नाम का आदमी जो कि इनसे रेगुलरली मिलते थे डिजीज़ से तो वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट सबसे पहले बना. तो उसके मूवमेंट को हमने ट्रेस किया और ऑन द सेम डे 1st of April हमारी टीम जो है वो लखीमपुर को रवाना हुई क्योंकि लखीमपुर में हमारा अंदेशा था कि वो मिल सकता है. तो लखीमपुर में जाने के बाद ऑलमोस्ट 3 to 4 hours मैन हंट के बाद बहुत हमें सपोर्ट असम पुलिस से भी मिला एंड इसके थ्रू हमें सक्सेस फर्स्ट सक्सेस मिला जिसमें हमने सद्दाम हुसैन को फ्रॉम लखीमपुर हमने अरेस्ट किया ऑन 1st of April. इसके बाद सद्दाम हुसैन को से के साथ जो डिटेल इंटरोगेशन हमने कंडक्ट किया तो उस इंटरोगेशन के थ्रू हमें पता चला कि देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू मोर पर्सन्स. तो जिसमें से एक रमज़ान आलम एंड दूसरा जो है आशिक हुसैन. तो इन दोनों का भी इन्वॉल्वमेंट हमें पता चला एंड क्योंकि इनका इनका जो है रात को ही भाग गए थे तो इनको हमने उसी वक्त ट्रेस करना शुरू किया. तो हमारे जो सर्विलेंस टीम है उसने काफ़ी अच्छा काम किया और उसके थ्रू हमें पता चला कि दे आर हेडिंग फॉर बिहार. तो साथ ही साथ ऑन द वेरी नेक्स्ट डे हमने अपना टीम यहाँ से इंस्पेक्टर अरुण कुमार पांडे एंड इंस्पेक्टर तेची विजय अलॉन्ग विद द टीम दे वेंट टू बिहार. तो बिहार में मुजफ्फरपुर जिला है जहाँ पे ट्रेन वाज वी वर एक्सपेक्टिंग द ट्रेन टू एक्सपेक्टिंग देम टू अलाइट. तो वहाँ पे हमारी टीम पहुँची. हाउएवर दे डिड नॉट अलाइट देयर एंड दे गॉट डाउन इन सम अदर स्टेशन एंड फाइनली वहाँ से फिर क्योंकि हम उनके एरिया में पहुंच चुके थे एंड दे ऑल्सो केम टू नो तो वो वेस्ट बंगाल की तरफ भाग गए. तो बिहार पुलिस ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया उनके लोकेशन एंड वेयरबाउट्स को ट्रेस आउट करने के लिए और जहाँ जहाँ पोटेंशियल लोकेशन से सब जगह हम पहुंच पाए उनके सपोर्ट के थ्रू. देन जैसे ही पता चला कि वेस्ट बंगाल में है तो SP SIT इमिडिएटली कॉन्टेक्टेड वेस्ट बंगाल पुलिस एंड वहाँ पे वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ जब बात हुआ तो वी फाउंड दैट दे आर इन द विसिनिटी ऑफ नयाहती पुलिस स्टेशन एंड नयाहती पुलिस स्टेशन से फाइनली टाई अप किया गया एंड वेरी विथ लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल पुलिस वी आर वेरी थैंकफुल टू देम वी वेर एबल टू नैप देम. ऑन 6th of April 2022. So after that, our team immediately reached Nayahati and the team has completed all formalities and now we have brought them here and both the accused have arrived in Itanagar today.
जो इंसिडेंट है पर से 31st night March 2022 का है, जिसमें करीब 9 o'clock दे अराइव इन द हाउस एंड द इंसिडेंट took प्लेस इन बिटवीन 10:30 to 11:30 एंड उसके बाद वहाँ से दे फ्लेड इन ए स्कूटी एंड वेंट फर्स्ट टू नाहरलगन एंड देन टू लखीमपुर एंड फ्रॉम लखीमपुर द टू ऑफ द एक्यूज जो आसिक और रमज़ान है ये दोनों जो हैं वहाँ से ट्रेन पकड़ के आगे को निकल गए वेर एज सद्दाम हुसैन स्टेड बैक इन लखीमपुर प्रॉबली अपने फैमिली को लेके जाने का प्लान था हाउएवर आवर टीम रीच ऑन इन टाइम एंड वहाँ से ही अप्रिहेंड कर लिया था जो इंसिडेंट है इसमें बेसिकली नाइफ्स वेर यूज टू कमिट द क्राइम एंड देर आर लॉट्स ऑफ ब्लड एविडेंस विच वॉज ऑल्सो अवेलेबल वेरी हीनियस काइंड ऑफ इंसिडेंट द कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर वॉज हैश्ड बाई सद्दाम रमजान एंड आसिक दे हैड मेड इलेबोरेट प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग द क्राइम एंड ये जो है बेसिकली जो नाइफ्स है उस क्योंकि ये टायर शॉप्स में काम करते हैं तो उस टाइप के ही नाइफ्स उन्होंने यूज़ किया था जो प्रोफाइल है इन लड़कों का मोहम्मद सद्दाम हुसैन 24 साल के हैं सन ऑफ अलुद्दीन अराजी ये विलेज जगदीशपुर पुलिस स्टेशन साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता है ये ईटानगर में ऑलमोस्ट अपना होल लाइफ रहा है एंड इसके पास दुकान है जो कि टायर पंक्चर वगैरह बनाता है पहले पंजाबी ढाबा में था अभी जुलांग में भी है रमज़ान आलम 24 साल का सन ऑफ साबुद्दीन ये विलेज गोची से बिलोंग करता है पुलिस स्टेशन केसीरिया के अंदर है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चंपारण बिहार ये भी ईटानगर में ही जन्मा है और लास्ट 4 साल से छोटे छोटे काम करता रहता है पंचर और ग्रोसरी शॉप्स में काम कर चुका है और अभी जो है वो टायर पंक्चर शॉप एक जूली में ही जिसमें ये काम करता है मोहम्मद आसिक हुसैन 22 साल का सन ऑफ शेख अली हसन ये वार्ड नंबर 10 ये भी गोची गांव का ही है और बिहार से ये ईटानगर में 2017 में आया है एंड छोटे छोटे काम स्पेशली जो पंक्चर एंड मैकेनिकल रिपेयर शॉप है इसमें करता है एक बैटरी चार्जिंग पॉइंट भी इसने बनाया है जो कि हमारा जूली में ही सिचुएटेड है तो इस तरह से इन तीनों ने मिलके इस बहुत ही संगीन जुर्म को अंजाम दिया एंड आवर टीम हैज़ वर्क्ड एक्सट्रीमली वेल आई मस्ट कंग्रेचुलेट द टीम एंड फॉर द एफर्ट दैट दे हैव पुट एंड ऑल्सो मस्ट थैंक द पुलिस फ्रॉम बिहार असम एंड वेस्ट बंगाल हु हैव रियली हेल्प्ड अस इन आवर टाइम ऑफ नीड एंड फाइनली आई मस्ट से फॉर पुलिस इट्स ए सैड इंसिडेंट एक हमारे ही बीच में से हमारा पुलिस वाला बिकेम ए विक्टिम ऑफ ए वेरी सीरियस क्राइम सो आवर हार्ट गोज आउट टू हिज फैमिली एंड वी होप दैट दिस विल ब्रिंग सम पीस इन टू देयर लाइफ